स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल टुडे अपडेट में। आज इस वीडियो में बात करेंगे एक अनदर जॉब अपडेट के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन एक एक करके बताते हैं कि क्या अप्लाई करने की प्रोसेस है और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे पहले बता दें, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए इसकी हम यहाँ पर पोस्ट नेम बताएँ। तो ये जो है यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखा गया है, जो कि सीनियर जो कि ट्रांसमिशन सुपरवाइज़र का निकाला गया है। 5 सीटें पे निकाली गई है। इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगा मैं नीचे यहाँ बताऊँगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो ये सीनियर जो कि ट्यूबरकुलोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइज़र का है, 2 सीट पे निकाली गई है। उसके बाद लैब टेक्नीशियन का निकाला गया है 1 सीट पे। टोटल जो है 8 सीट पे ये वैकेंसी निकाली गई है। तो सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं एक एक करके। तो क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन होगा, इसके पहले बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन और इसकी वेतन के बारे में। पहला अगर बात करें यहाँ पे तो इसकी जो क्वालिफिकेशन, ये जो पोस्ट है, पद का नाम जो है सीनियर जो कि ट्रांसमिशन सुपरवाइज़र STS का पोस्ट है, जो कि ये आपका 5 पोस्ट पे निकाली गई है, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो ये जो है आपका 19,000 रुपया ये आपका पर मंथ दिया जाएगा, 19,047 रुपीज़ पर मंथ। एलिजिबल क्राइटेरिया की अगर बात करें तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, जो कि ये आपका रिकॉग्नाइज्ड जो कि इंस्पेक्टर ये आपका कोर्सेज से दिया गया है, जो कि सैनिटरी कोर्सेज से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्सेज इन कंप्यूटर ऑपरेटर का यहाँ पे आपके पास 2 मंथ का मिनिमम जो है आपका सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस रखी गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये आपका यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो दूसरा जो पोस्ट है इसके बारे में, दूसरा जो पोस्ट है वो आपका सीनियर ट्यूबरकुलोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइज़र का है। इसमें अगर बात करें तो 20,400 रुपया पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पे डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी ये आपका रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे दिया गया है कि परमानेंट जो है आपका 2 व्हीलर ये आपका लाइसेंस होनी चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कंप्यूटर कोर्सेज का ये आपका दिया गया है कि कंप्यूटर ऑपरेटर का ये आपका 2 मंथ का कोर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तीसरा पोस्ट का, तो लैब टेक्नीशियन की, तो इसकी 15,208 रुपया पर मंथ दी जाएगी। इंटरमीडिएट आप अगर यहाँ पे क्वालिफाई हैं इन जो कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से, तो आप यहाँ इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इससे हायर डिग्री है तो वो भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे प्रीफ्रेंस भी दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो चयन के लिए आपका यहाँ पे एज का जो गणना है 1/1/2020 से की जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो क्या यहाँ पे आपका एज होगा, न्यूनतम एज जो है 21 वर्ष रखी गई है, सामान्य के लिए 35, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 35 ये रखा गया है सामान्य के लिए, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा के लिए 37 रखा गया है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आपका यहाँ पे 40 रखा गया है, महिला के लिए सामान्य के लिए 38 रखी गई है। ये आपका दिव्यांग के लिए मेंशन किया गया है, जैसे कि देख पा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो ये जो है आपका आयु का जो गणना है वो यहाँ पे दी गई है कि 1/4/2022 से की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ चयन की शर्तें यहाँ पर दी गई है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारी यहाँ पर शर्तें जो है मेंशन कर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, एक से अधिक आवेदन आप यहाँ पे कर सकते हैं, अलग अलग आवेदन आपको यहाँ पे अनिवार्य है करना। अगर एक से अधिक पोस्ट पे आप आवेदन करना चाहते हैं तो अलग अलग आवेदन आपको वहाँ पे करनी है। नेक्स्ट चयन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि चयन जो है आपका एक रिटर्न टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो अप्लाई करनी है इसमें जो है आपका यहाँ पे निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन जो है भेजना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसकी जो है यहाँ पे मेगा सूची जो है आपका तैयार किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, मेगा सूची सिविल सर्जन उपायुक्त कार्यालय पर 1 सप्ताह के अंदर जो है यहाँ प्रकाशित कर दिया जाएगा, जो कि सूचना पट पे दे दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे वेबसाइट के थ्रू दिया जाएगा, मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर दूँगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करें आवेदन की प्रक्रिया की, तो आवेदन का क्या क्या प्रक्रिया है इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे दी गई है कि आपको जो ये आपका निम्नलिखित वहित प्रमाण पत्र, आवश्यक अंक प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र जो है जो कि अभी प्रमाणित जो है प्रति आरक्षण के दावा हेतु पदाधिकारी द्वारा निर्गत जो है आवासीय प्रमाण पत्र जो है आपको, जाति प्रमाण पत्र, जन्म तिथि जिसमें मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में होगा अंकित उसकी एक छाया प्रति, आवेदन पत्र के साथ जो है आपको यहाँ पर 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको यहाँ पर भेजनी है,
ठीक है, तो उसका जो यहाँ पे डेट होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये 28/9/2022 तक 5 बजे तक आवेदन आपको भेज देनी है, इसके बाद जो अगर भेजते हैं तो विचार नहीं किया जाएगा आवेदन में। आवेदन की शुल्क की अगर बात करें तो आवेदन का जो शुल्क है आवेदन हेतु प्रत्येक पद के लिए जो है आपको यहाँ पे जो है 400 रुपया रखा गया है और 200 रुपया ST SC कैंडिडेट के लिए रखा गया है। ये आपको डिमांड ड्राफ्ट एक बनानी है, या तो आप हिंदी में बनाएंगे तो जिला स्वास्थ्य समिति कोडरमा के नाम से, अगर इंग्लिश में बनाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी कोडरमा के नाम से बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट चलिए बात यहाँ पे कर लेते हैं, आवेदन जो आपको भेजनी है कहाँ भेजना है। सभी तरह के पूर्ण आवेदन को बंद लिफाफे के करके निबंधित डाट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से, जो कि मुख्य चिकित्सा जो यहाँ पे दिया गया है, पता दिया गया है चिकित्सा पदाधिकारी सम्मुख कार्यालय पदाधिकारी सदर अस्पताल परिसर कोडरमा, जो कि ये आपका पिन कोड दिया गया है, इस पिन कोड पे यहाँ आपको ये जो एड्रेस दिया गया था, यहाँ से चिकित्सा पदाधिकारी से लेके पिन कोड तक ये आपका एड्रेस दिया गया है, यहाँ आपको भेज देनी है, ठीक है। एक इन्वेलप में यानी कि बंद लिफाफा में सारे डॉक्यूमेंट्स डाल के निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देनी है। तो ये जो है आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, यहाँ पे जो है आपका विज्ञापन संख्या, पद क्रम का संख्या, पद का नाम, आवेदक का नाम और पता, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देख सकते हैं। ये फॉर्म है, इस फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उसके थ्रू इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसको अच्छी तरह से फुलफ़िल करना है, ठीक है। उसके बाद इसको जो है फुलफ़िल करने के बाद जो है आपको सारी चीज़ें करने के बाद, जैसे कि यहाँ पे बात करें तो जैसे आप यहाँ पे DD आप बनाते हैं तो DD नंबर डेट इशू जब आपका बनता है, और ये जो है आपका फ्रॉम ब्रांच किस ब्रांच से बनाते हैं वो यहाँ पे मेंशन करनी है। फाइनली यहाँ पे आपको साइन कर देना है, उसके बाद आपको स्पीड पोस्ट या यहाँ पे निबंधित डाक के माध्यम से भेज देनी है। तो आज के लिए ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जो कि हम आपको बता दिए। किसी प्रकार की कोई डाउट्स प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले पहुंचाया जाता है। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।